हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे गैस वाल्व की सर्विस। ये बहुत कॉमन वाल्व है, गैस वाल्व 21S। ये हर मशीन में लगभग मिलेगा आपको, किचन इक्विपमेंट की रेंज इसमें मिलेगा, किचन इक्विपमेंट्स की जितनी ज़्यादातर मशीनें होती हैं उनमें मिलेगा। तो सबसे पहले इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम एक मार्क करेंगे कि बाद में हम भूल ना जाए कि ये सीधा है ये उल्टा है, क्योंकि ये तो कैसे भी लग सकता है। तो हम इसके ऊपर एक मार्किंग करेंगे। ओके, अभी हमने इसके ऊपर एक मार्किंग कर दी है। अब हम इसको ओपन करेंगे। अभी क्या है, ये बहुत हार्ड हो गया है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ऑपरेट ही नहीं हो पा रहा है। तो ऑपरेट क्यों नहीं हो पा रहा है वो आज हम दिखाएंगे आपको। इसमें पूरे में देखो ऑयल रस्ट, पूरा इसकी स्प्रिंग भी ब्लॉक है। ये अंदर बाहर कैसे होगा, ये जब खुद ही ब्लॉक है ये पूरा का पूरा बाहर आएगा। अभी ये पूरा ब्लॉक है बुरी तरीके से। जब ये खुद ही ब्लॉक है तो ये कैसे ऑपरेट करेगा किसी को। तो हम इसके सर्विस नॉर्मली WD-40 या CRC जो आपको मिलता है अवेलेबल, आप उससे इसकी सर्विस कर सकते हैं और इसको लगा सकते हैं वापस। देख रहे हो कितनी गंदगी है इसमें, गैस के लिए तो इतनी गंदगी बहुत होती है। बहुत सिंपल है, इसको ऐसे साफ सुथरा करके बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके हमें वापस लगा। तो अभी हमने पूरी सर्विस कर दी है, देखो बिल्कुल साफ हो गया है ये भी, इसका पिस्टन भी। ये इसकी ऑपरेटिंग नॉब है, ये स्प्रिंग है जो अंदर पुश एंड अप एंड डाउन करती है, ये अंदर जाती है। और ये है मेन पार्ट इसका, ये है मेन पार्ट। क्या है ये एक्चुअली में, ये एक सोलेनोइड वाल्व है, आप ये समझ लो। इसको जब वोल्टेज मिलते हैं तब ये एक्टिवेट होता है, तब ये एक्टिवेट होगा तो ये ऐसे होगा, तब वो गैस आगे पास करेगा। तो ये कब एक्टिवेट होता है, जब थर्मोकपल हमारा जो गैस रेंज में थर्मोकपल होता है वो गर्म हो जाता है, तो वो कुछ वोल्टेज माइक्रो वोल्टेज जनरेट करता है, वो माइक्रो वोल्ट से ये एक्टिवेट होता है। आप जब माइक्रो वोल्ट 20 के ऊपर जाएंगे तब ये एक्टिवेट हो जाएगा, माइक्रोवोल्ट 20। अगर वो थर्मोकपल ख़राब होगा आपका तो वो माइक्रोवोल्ट जनरेट ही नहीं करेगा, और अगर जनरेट नहीं करेगा तो मतलब कि तुम्हारा वो जो पायलट है वो होल्ड नहीं होगा और गैस पास नहीं होने देगा। ओके, अभी हम लोग इसको वापस लगा देते हैं जैसे था ये। ओके, इसकी सर्विस यही है। सबसे पहले इसको चेंज करने से अच्छा है कि हम लोग पहले एक बार सर्विस करके देख लें, क्योंकि सर्विस में ही आधे से ज़्यादा चीज़ें सही हो जाएंगी। क्योंकि आपने देखा कितना गंदा था ये पहले से, अभी सिंपल जैसा कि हम लोगों ने देखा था। ओके, तो अभी हमने मार्क टू मार्क बिठा दिया है इसको, और अब स्क्रू लगा देंगे। Thank you for watching video. Have a nice day.